नहीं जी एक गुरु जी के पास गए, उन्होंने सात आठ पकड़ के ले गए घर से के एक ये है एक ये एक ये एक है। उसका फिर बच्चा परेशान, उसको जिन दिखाई देता था, उसको जिन दिखाई देता था। उसके बाद फिर एक और वहां पर दिखाई दिया मुसलमान, एक जगह और दिखाया एक बार फरीदाबाद में, फरीदाबाद में उसने भी यही काम किया। ठीक है, मैं पकड़ लेता हूं सबको। अब गुरुजी से ठीक नहीं हो तो गुरुजी ने कहा इस बच्चे की ना आदत है बदतमीज से बोलना, ऐसी हरकतें करना इस बच्चे की आदत है। मुझे पता है वो 10 साल का बच्चा है, मेरे सामने इतना बड़ा हुआ है, वो बदतमीज से बोल ही नहीं सकता। उसने मुझे इतनी गंदी फिंगर दिखाई और बोला कमीनी नाच। मैं उसकी मासी हूँ, मैं उसके घर में ना गाली वर्ड पता ही नहीं गाली क्या होती है। बहुत अच्छा। उस गुरुजी ने बोला इस बच्चे, ये बच्चा ना बड़ा शैतान है, चंचल है, बहुत चिल्लाक है। अच्छा चलो मुझे नहीं शांति। ठीक है, उसके बाद एक मुसलमान को दिखाया, एक और जो बहुत बड़े गवर्नमेंट की बहुत बड़े पद पर हैं और बहुत उनका नाम है और भक्ति भी करते हैं। और भक्ति भी करते हैं। उन्होंने बेटे को देखा, मैंने उनको भी दिखाया, उन्होंने कहा कि रजिंदर ये ना शैतान है, ये कुछ नहीं है इसमें, ये शैतान नहीं कर रहा है। बच्चा इतना शैतान नहीं हो सकता। और वो भी एकदम से ऑल ऑफ द सडन विद इन अ 2-3 मंथ्स बच्चा इतना बदतमीज नहीं हो सकता। फिर चौथे को हमने दिखाया लुधियाना में, हीलर है वो, एक बहुत अच्छे बड़े लेवल के हीलर है। तो उनको दिखाया, उन्होंने वीडियो कॉल पे उनको लिया, उस बेटे को लिया और मैं थी साथ में। वो सेम वर्ड्स, इसमें कुछ नहीं है, इसमें तो ना ये ऐसे जान के गए। इन चारों के साथ मेरे भाई, मेरे जीजा भी बैठे थे, मेरी बहन भी बैठी थी, उसका छोटा बच्चा भी बैठा था, कोई नहीं पकड़ पाया कि एक्चुअल प्रॉब्लम थी कहाँ। अब ध्यान से सुनिए, मैं पूछूंगा एक बात। हाँ चलो बताएं। मैं पूछूंगा इन सब ने कितना कितना पैसा लिया। आई टेल यू, जो गुरुजी से उनके पास ऑलमोस्ट मेरी बहन की तरफ से जो गया है 55-60 हज़ार गया है। हाँ। और जो मैंने दिया मेरी बहन को पता नहीं, जो मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगी, सॉरी। ठीक है, क्योंकि मेरी बहन इनकी सारी वीडियोस देखती है। ठीक है, जो मैंने किया है वो मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगी। और वो कैसे हुआ, आप मेरे भांजे को ठीक कर दो प्लीज। जो चाहिए उन्होंने नहीं दिया, मैं दे देती हूँ, जो चाहिए वो बताइए। नहीं, मैंने ये कहा था कि मैं वो उनका आर्थिक अभी स्थिति ठीक नहीं है, क्योंकि उस चीज के कारण मेरे जीजा का बहुत है। तो मैं कहती आप करो जो करना है, मैं बैठी हूँ। ठीक है, आप जितना लगेगा मैं बैठी हूँ, जितना मुझे होगा मैं करूंगी। उसके बाद मुसलमान ने क्या लिया मुझे पता नहीं। मेरे जो वो जो जिनकी मैं दादी बहुत बड़े अधिकारी हैं, उन्होंने कुछ नहीं लिया। और लुधियाना उन्होंने भी कुछ नहीं लिया, क्योंकि उन्होंने सिर्फ चेक किया था। हाँ, उन्होंने एक मेहरबानी की जिन्होंने आपका पता दिया। उन्होंने लास्ट एक बार बोली, रजिंदर इसको ना मन्नू भैया के पास ले जाओ, अगर मन्नू भैया कहेंगे है तो है, अगर नहीं कहेंगे नहीं है तो नहीं है। आप यकीन नहीं मानोगे, हम लोग सब पैरों के, मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। प्रॉब्लम कहाँ निकली, गौतम है आपके जो अंदर चेक करते, आप ही के शिष्य, आप ही ने उनको दे रखे। और उससे पहले मैं आई थी रात को, मैं एक बार मैं देख लूँ है क्या चीज, देखू मैं पहले खुद देखने के लिए आई। तो यहाँ पर फोटो दिखाई थी, कोई परवीन है, कोई एक और उनके ब्लैक से हैं, उनको दिखाया। उन्होंने फोटो देखते सर, मेरे भांजे की फोटो देखते सर बोला इसकी मम्मी को साथ लेकर आना। ठीक है, फिर आए नेक्स्ट डे, मैंने नंबर लिया, मेरी सिस्टर आई, सारे आए। गौतम ने देखते सर कह दिया कि बच्चे में दिक्कत नहीं है, माँ में दिक्कत है, बच्चे में नहीं थी दिक्कत। तो मेरा बच्चा परेशान, मेरा भांजा परेशान हो रहा था। उसके बाद मन्नू भैया से चेक कराया, मेरी बहन पड़ गई, बच्चा ठीक, बच्चे को कुछ नहीं है। उसको फूक मारी और अपने आश्रय दिया, सब कुछ दिया, उसको कुछ नहीं निकला। जो बच्चा इतने दिन से इतना परेशान, पढ़ाई में फर्स्ट ग्रेड में रहने वाला आज बच्चा बिल्कुल जीरो है, विद इन 4-6 मंथ जीरो है बच्चा। 6 महीने का उसका विकास रुक गया बिल्कुल, और दिमाग मन पे जो कब्जा था ना, उस कब्जे ने उसकी नाड़ियों को वीक बना दिया, वीक बना दिया। और प्रॉब्लम निकली कहाँ पर, मेरी बहन में, उसकी माँ में, बच्चे में नहीं थी, उसकी माँ में थी। मैं सबको बोलती हूँ, मैंने अपना भाई खोया इस चीज में, मेरा 40 साल का भाई गया इस कारण। झूठी है तू, कसम से 7 जनवरी लास्ट ईयर, ये रहा भाई। उसका नाम मोनू था, आपका मनु है, मनु ही मोनू है। हाँ। वो खोया कैसे ये भी मैं बताना चाहूंगी, प्लीज 2 मिनट लूंगी, ज्यादा नहीं लूंगी। आराम से बताओ, आराम से। डॉक्टर्स को दिखा रहे, उसको 2018 में प्रॉब्लम होनी शुरू हुई थी, डॉक्टर्स को दिखा रहे, डॉक्टर ने खूब पैसा लिया, 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख 4 लाख अच्छे से। वो हॉस्पिटल में रहता था, 3 दिन आता था डॉक्टर, फिर लास्ट में क्या बोला, उसको सोराइसिस, उसको लीवर सोराइसिस। मेरा भाई 5 फुट 11 इंच, यहाँ से मैं
हर बहन का अपना भाई प्यारा होता है, लेकिन मैं शर्त लगा के आ सकती हूँ। यहाँ पर जितने भी लोग आए होंगे सुबह से ना, मेरे भाई ज्यादा भाई नहीं हो सकता, शेर की तरह लंबा ऊंचा चौड़ा, ठीक है। और जो उसकी हालत हुई, मैं क्या क्या डाली यहाँ पर, कोई उससे गया गुजरा भी कोई नहीं होगा। गोरा रंग, शेर की तरह धारने वाला मेरा भाई, बिल्कुल पतला सुक्का, लाल आंखें उसकी सूख गया था। दो फिर हमें पता, 3 साल बाद पता चला कि उसको ऊपरी हवा है। कराया इलाज, बहुत रात करा, उसमें पैसे की कमी नहीं थी। वो मैंने उसके थे मेरे पापा के पैसे, भाग दौड़ मैंने की, जितना उसने इस इंसान ने जितने पैसे कहा मैंने लगाए। मुझे भाई चाहिए था, हर कीमत पे मुझे भाई चाहिए था। एट लास्ट 24 नवंबर को उसका शुरू हुआ था और 7 जनवरी को वो चला गया, मेरे सामने गया मेरा भाई, मेरे सामने गया। और मुझे उस चीज ने चैलेंज किया था, तो जो मर्जी कर ले मैं इसको लेके जाऊंगा। मैंने भी चैलेंज किया था, बहनों 4 बहनें हैं, भगवान किसी की सुने ना सुने, मुझे तो भगवान ने भी झूठा साबित कर दिया। मेरा बहुत स्ट्रांगली मानना था कि भगवान किसी की ना सुने, लेकिन बहनों की जरूर सुने। अब एक लड़की की बात मैं बताता हूँ। एक टैरो कार्ड देखने वाली लड़की थी, वो टैरो कार्ड देखती थी, टैरो कार्ड देखते देखते पता नहीं उसने किसका क्या देख लिया, अचानक उसको बहुत सारी चीजें दिखने लगी। उसको एक जिन जलता हुआ दिखाई देता था, मतलब उसमें आग लगी हुई ऊपर तक लपटे, चारों तरफ वो जलता हुआ दिखाई देता था। वो उसको उसके बाथरूम में बैठा हुआ दिखाई देता था, और मैं ये कह रहा हूँ कि वो उसके शरीर में रहता था। पता कैसे चलेगा? क्यों? क्योंकि वो 18-19 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे ठंडे पानी की नल खोल के चलाती रहती थी। जब तक पानी खत्म ना हो जाए टंकी का, तब तक उसका गेट नहीं खुलता था। ये बात लिखो। अब ध्यान से सुनिए और भी, कि उसकी माँ के भी उसके बदन को गीला करने के चक्कर में वो बस वो पहनती थी, जो महिलाएं चौड़ा सा पहनती है नीचे से लेके ऊपर तक का, क्या बोलते हैं, हाँ, मैक्सी गाउन, वो उसको पहनती थी। और उसकी माँ हमेशा गीले तौलिए रखती थी पानी में भिगो भिगो के, और उसको पूरे शरीर पे फेरती जाती थी। अगर वो कहीं जाती भी थी ना, तो यही काम करती थी। उसकी माँ के ये पोरवे जो है खराब हो चुके थे पानी से, लग लग के सड़ चुके थे। उसकी माँ ठीक हुई, और हर्ष भैया ने जब देखा ना, तो उसने ये कहा इसकी इतनी दयनीय स्थिति है कि ये मरेगी या जिएगी नहीं। मैंने कहा ऐसा नहीं बोलते, भगवान क्या पता किसको बचा ले, वो उसकी मर्जी है। और मैं ये कह रहा हूँ कि उस लड़की को महीना नहीं लगा होगा पूरा, उससे पहले वो ठीक हो। बोलो शनिदेव महाराज की। और अभी वो टैरो कार्ड देखने लग रही है, वो बात अलग है, उनके घर में कलेश था, लेकिन लड़की जो है यहाँ से ठीक हो गई, सरदारों की ही लड़की थी, और उसको पूर्ण रूप से आराम पड़ गए। इसके बाद वो मोटी भी हो गई, देखा केस। तो कभी आपके पास जीवन में ऐसा होता है, मुझे पता है दुख कितना होता है, आदमी कष्ट में होता है, आदमी का पैसा भी लगता है, और कई हालत तक हम ऐसे लोग समझ लेते हैं, क्योंकि हमारे से हमारा मानव शरीर है, मन भी वैसा ही है, बहुत लंबे समय तक हम किसी की सेवा नहीं कर पाते हैं। मैं ये मानता हूँ कि कोई आदमी अगर आपके घर में बीमार पड़ जाए, 6 महीने अगर आपको उसका सब कुछ करना पड़े, टट्टी पेशाब भी करना पड़े, तो मैं ये मानता हूँ कि उसने आपकी सेवा जितनी की आप भूल जाओगे, आपसे उतनी सेवा होगी नहीं कदापि। क्योंकि हमें यह लगता है कि हम सेवा तो करते हैं, लेकिन एक टाइम में आके ऊब जाते हैं। मैंने ऐसे देखा है जो बहुत संपत्ति वाले हैं, जिनके एक एक लड़का है, उनके यहाँ भी बच्चे अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर पाते हैं, और ये नामुमकिन सा लगने लगता है, क्योंकि सारे तो काम छूटते हैं, सारे आदमियों का सब कुछ छूट जाता है, और एक आदमी की परिचर्या करनी पड़ती है। लेकिन दुखद और सुखद दोनों ही क्षण हमें मिलते हैं, ऐसे में भगवान की कृपा हमें देखने को मिलती है। और ये बहुत बड़ी बात है कि जो बच्चे के साथ हो रहा था, भाई के साथ हो रहा था, उसको तो बचा नहीं पाए, लेकिन जो बच्चे के साथ हो रहा था, कुदरती उनको भगवान ने ऐसी जगह भेज दिया कि वो बच्चा बच गया, और बच्चे को आज कुछ भी नहीं है, और बच्चा अपना सुखद जीवन जी रहा है। भगवान से, शनिदेव महाराज से, आज शनि अमावस्या के दिन जो उसका प्रिय दिवस है, और शमी पुष्प और शमी वृक्ष के सामने खड़े होकर हम शनिदेव महाराज से प्रार्थना करते हैं कि उस बच्चे को कदापि कोई रोग ना हो, और उसकी माँ भी जल्द ही स्वस्थ हो। जय शनिदेव। सबसे एक रिक्वेस्ट है, लोग पता है इस चीज को ना छुपाते हैं, कि पता नहीं लोग कहेंगे अंधविश्वासी, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। बहुत लोग हैं मेरे जानने वाले, बहुत लोग ऐसे कि ऐसी जगह को ना छुपाते हैं, खुद तो आ रहे हैं लेकिन दूसरों को बताने में ये कर रहे हैं कि हमारी इज्जत पता क्या करते। अरे भला होगा आपका भी, भला होगा उनका भी, बताओ बताओ बताओ, स्टेटस लगाओ, बताओ सबको बताओ। और प्लीज थोड़ा सा अगर नॉर्मल बागेश्वर वाले बाबा की बात चल रही, और दीपक चौरसिया जी क्या कहते हैं, प्रेत शब्द आते ये कहते हैं ये तो अंधविश्वास है। ठीक है, आप अंधविश्वास फैलाते हैं जब उसके प्रेत के दरबार को देखते हैं,
अंधविश्वास कहाँ है भाई? वेद व्यास जी महाराज प्रेत के बारे में लिख रहे हैं। प्रेत शब्द संस्कृत से निकला हुआ है, उर्दू से नहीं निकला हुआ, इसका मिश्रण नहीं हुआ कहीं भी, क्योंकि इस शब्द को वेद व्यास जी ने अपने हाथ से लिखा है। प्रेत शब्द बड़े बड़े ग्रंथों में प्रेत शब्द आया है। जब आप ये कहते हैं कि मुस्लिमों का तब जन्म भी नहीं हुआ था, तब पता भी नहीं था ये भी एक कोई धर्म है, यूं मान ले जन्म हुआ हो परले पार हो कहीं, ठीक है ना, पृथ्वी के किसी और अन्य कोने पे हो, लेकिन तब से प्रेत शब्द है, तब से प्रेत शब्द है। और कितने ग्रंथों में लिखा हुआ है, गीता में लिखा हुआ है, 12 पुराण में लिखा हुआ है, इसका कहीं ना कहीं उपनिषदों में भी जिक्र है, इसका कहीं ना कहीं चरक संहिता में पूरा जिक्र है, हमारी आयुर्वेद की परिचर्या में जिक्र है, इतने ग्रंथों में जिक्र है, तंत्र में इतने ग्रंथों में जिक्र है, फिर भी हम नहीं मान रहे। और एकदम से आते ही कहते हैं ये अंधविश्वास है। कहाँ है का भाई, अंधविश्वास शब्द का ही अर्थ गलत लिया गया है। अंधविश्वास का मतलब ये है मुझे अंधा विश्वास है अपने बजरंगबली पे, अपने शनिदेव पे, अपने भगवान पे, क्यों? क्योंकि हम देख तो पाते नहीं है, तो हम उस ओर से अंधे हैं, लेकिन उसकी तरंगों को महसूस तो करते हैं, उसकी कृपा को महसूस तो करते हैं, उसकी कृपा हमें शांति तो देती है, हमें भक्ति देती है, यश देती है, हमारी बीमारियां दूर करती है, हमें रोग से निवृत्ति देती है, उसके मंत्र जप से हम उसकी प्राप्ति करते हैं, हमें यश मान सम्मान समृद्धि सभी प्रकार की, हमारे कुल की बढ़ोतरी, ऐसा और कौन कर सकता है? किसी डॉक्टर से नहीं होगा, किसी अन्य विधा से नहीं होगा, किसी एलोपैथी से नहीं होगा। वो डॉक्टर जो आपके एडमिट होते ही आपके साइन करा देता है कि आप मर जाओगे, मेरी जिम्मेवारी नहीं है, आपको रिएक्शन भी होगा, मेरी जिम्मेवारी नहीं है, मेरी गोली आप पे क्या असर करेगी, मेरी जिम्मेवारी नहीं है। उनको हम जिनको भगवान कह रहे हैं वो भगवान नहीं है, भगवान ही भगवान है जिनको हम भगवान मानते आए हैं। प्रेत है, बोलो बहन जी, प्रेत है, प्रेत है, प्रेत था, प्रेत था, प्रेत रहेगा, प्रेत रहेगा जी, इस दुनिया में उसको कोई मिटाने वाला नहीं। सॉरी मांग लो वरना इस दिन ये इस चीज का जवाब तुम्हें खुद भगवान ही दे देगा। हाँ, भगवान ही दे देगा, भगवान ही दे देगा। जय शनिदेव भक्तों, जय शनिदेव।